हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू गाइस आर वाचिंग तुषिका चैनल। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी बज रहे हैं 8:30 और मुझे आज कहीं जाना है अपने लिए कुछ लेने और मैं चाय बना रही थी। जस्ट मैं वेट कर रही हूँ चाय बन जाए और उसके बाद मैं जाऊँ। बहुत लेट हो गया है आई नो, बट ये सडन प्लान बन गया मेरा कि आज मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था जाने का। मैंने किसी और दिन रूट बनाया था मगर मुझसे वेट नहीं हुआ गया क्योंकि जो मैं लेने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो चलो देखते हैं कि मैं क्या लेके आती हूँ अपने लिए। और पहले मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं शाम की चाय नहीं पी पाई, तो मैं भी चाय बना रही हूँ और चाय पीते मैं रेडी हूँ पूरी। मुझे ना चाय पीना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी दिन की सुबह और शाम वाली चाय तो फिक्स है। चाहे कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर, मैं 2 बजे क्यों ना उठूँ मगर मैं चाय ज़रूर पीती हूँ सुबह वाली। ये पुच्चू ना घू 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 कर रहा है क्योंकि इसका टाइम हो गया। इधर आओ, मुझे कैसे देख रहा है, मेरे को बोल रहा है चलने को। पीछे घूमने लगता है, उसको पता चल जाता है कहीं जा रही है, मेरे को भी लेके जाएगी। तो बस उसको समझ में आ गया है और मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो उसको लग रहा है हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बस स्टार्टेड है सब घूम 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 घूम। इधर आओ, इधर आओ। जो मैंने सिंपल से एक डेनिम डाला है ब्लैक कलर का, फिर डेनिम और ये ब्लू टॉप, ये है मेरा आउटफिट आज का। आई होप आपको अच्छा लगे। पास में जाना है, बिल्कुल पास में घर के स्टोर है तो बिल्कुल कैजुअल से पहन के जा रही हूँ मैं। अरे देखो मेरी बैल्कनी से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, सी कितना प्यारा। आई एम रियली लविंग इट, मुझे तो बहुत पसंद है अपने घर का व्यू। सीरियसली घर से जो व्यू आता है वो बहुत पसंद है। सो चलो चाय फिनिश करते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं। अच्छा आप लोगों से देखी होती है क्या, जब भी आप कहीं जाते हैं उस समय जब चाय बनाते हैं और आपको बहुत जल्दी जाना होता है तो चाय पीने का मैं बस वक्त नहीं होता, उस दिन हमारी चाय बहुत अच्छी बनती है। और जब हम घर में बैठे रहते हैं आराम से सोचते हैं चाय पियेंगे, उस दिन चाय बहुत ख़राब बनती है। मेरे साथ तो ये चीज़ हमेशा होती है, जब भी मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ और बिल्कुल 5 मिनट में मेरे को चाय पीनी होती है उस दिन चाय बहुत टेस्टी बनती है, मैं सुकून से पी नहीं पाती। लेकिन जिस दिन मैं बोली अच्छा अच्छी बनेंगे आराम से बैठेंगे ये करेंगे वो करेंगे उस दिन चाय बिल्कुल वाहियात बनती है। चलो बिना बात किए अब बहुत बात कर ली मैंने, चलते हैं फटाफट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेने हैं। और आई एम रियली सो 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 वेरी मच एक्साइटेड, अगर मैंने वहाँ ले लिया आज और मैं आज लेके नहीं आई तब तो मेरा आज पोपट हो जाना है बिल्कुल। मैं कल लेने गई थी वो नहीं लेके आ पाई, बहुत दुखी हूँ उस चीज़ के लिए। बहुत एक्साइटेड थी और वो सबसे बड़ी बात मैंने मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि मैं लेने जा रही हूँ फलाना ठिकाना। उसके पीछे रीज़न सिर्फ मैं हूँ क्योंकि मैं इतना लेट गई, 8:30 बज चुके थे, 9 बजे वहाँ पहुँची, जब तक गई तो वो स्टोर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था और वहाँ पर वो मॉडल अवेलेबल भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई दूसरे स्टोर बताया, मैं वहाँ गई तो जब मैं दूसरे स्टोर गई तो वो वहाँ पे मॉडल अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि मैडम आप 3-4 दिन बाद एक आपको मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होता है जो चीज़ मुझे चाहिए है। सो या मेरी पोपट हो गई है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा और जब आएगा मैं वो आपको दिखाऊंगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत वैसे नहीं मिला तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी और मैं बहुत जल्दी में थी, लेट हो गया था, सब स्टोर बंद हो रहे थे तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। अराउंड 9:30
10 o'clock मैं घर आई और उसके बाद मैंने अपने लिए पाव भाजी बनाई. तो चलिए देखते हैं उसके बाद मैंने क्या क्या किया. तो चाहिए आप देखिए मैंने उसके बाद क्या क्या किया, मैंने पाव भाजी कैसे बनाई. तब तक के लिए मैं ये मॉर्निंग वाला फ्रूट खाऊंगी, बनाना. मुझे बनाना बहुत पसंद है और मैं एक या दो बनाना डेली खाती हूँ. सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. हैप्पी रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जो अधूरा वीडियो है अगर वो पसंद आया हो, जो फेल वीडियो है वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें. प्लीज़ सपोर्ट करें, योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. या सो या प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो से मिलती हूँ. गुड बाय.
तो चलो इसे खाते हैं। तो हम हमारी भाजी और पाव को टेस्ट करते हैं। वैसे तो पाव भाजी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट इसको देखते हैं कैसे बनी है। ऑसम। स्पेशली जो हमारी भाजी बनी है ना, उसको खाने में जो मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छा, बहुत चटपटी है। और मुझे खट्टी खट्टी चीज़ें बहुत। सो जिस तरीके से मैं मज़े ले रही हूँ ना पाव भाजी के, आप भी जाएं भाजी बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि कैसे बनी थी आपकी भाजी। वो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें।